आप एक बार दृश्य कीजिए यहाँ से, चेक बहुत ही ज्यादा शांत है। जय शंकर। जय माता दी। बहुत ही ज़्यादा आनंद आया सुबह की आरती सुनकर, हृदय प्रफुल्लित हो उठा। तो आपने जैसे पिछले ब्लॉग में चेक किया कि किस तरह आरती होती है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा शानदार। सुबह इतने जल्दी हम उठे और यहाँ पे आप चेक कीजिए मंकीज, सुबह हम इतने जल्दी उठ गए और हम गए आरती सुनने के लिए, और बहुत मशक्क़त के पश्चात वहाँ पहुँचे, काफ़ी ज़्यादा भीड़। तो अब कर लेते हैं थोड़ी देर रेस्ट और उसके बाद चलेंगे हवन करने। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आनंद आया, चेक कर सकते हैं, बहुत ही शानदार यहाँ का दृश्य। थोड़ी देर कर लेते हैं रेस्ट क्योंकि हालत ख़राब है थकान से, आज भी मतलब खड़े रहे हम सुबह से। ये देखिए प्रसाद ले आए हूँ मैं अपने साथ बढ़िया में, और अब कर लेते हैं प्रसाद को ग्रहण और उसके बाद हल्का सा रेस्ट। अब माता जी के दो दर्शन कर लिए सुबह सुबह, हवन करेंगे थोड़ी देर बाद। तो मैं सोच रहा हूँ आपको तब तक यहाँ पे शिव मंदिर है बहुत ही शानदार, वहाँ तक ले चलते हैं, बहुत ही मज़ा आएगा। सो आपको ले चलते हैं साथ, बहुत ही बढ़िया मौसम है, हैव अ गुड डे आप मित्रों को भी। सो जय शंकर, भोले शंकर का नाम लेके अब हम चल पड़े हैं। देखिए नंगे पाँव ही हैं यहाँ पे हम, और पैरों के नीचे से हालत कीजिए आप चेक, बिल्कुल ब्लैक हो चुके हैं। सो अब हम भोले शंकर का नाम लेके चल पड़े शिव मंदिर की ओर, बहुत ही शानदार है शिव मंदिर यहाँ पे। जय शंकर। उतरते हैं यहाँ पौड़ियों से। हेलो, काफी ज्यादा पौड़ियाँ तो निपट रही है यहाँ से। 11 साल की बच्ची की उम्र, हाँ तो मेरी सेवा कर, पूजा कर। अच्छा फिर बोले माता मैं किए करे वो तुम्हारा, तभी तो कल ला कर कुछ नहीं, बस भगत अपने आप करेंगे सब कुछ। अच्छा। जय माता, जय माता बोली है उच्चा माता। नहीं डिस्कुल महाराजा रणजीत सिंह ने बनाया, शंकर सरोवर महाराजा रणजीत सिंह ने बनाया। भगवती माँ छिन्नमस्तिका जी का प्राचीन कुंड, इस कुंड में से माई दास जी ने माता जी के वचन अनुसार 2 फुट लंबा शिवलिंग जैसा पत्थर निकाल कर पृथ्वी से जल की प्राप्ति की। इसी कुंड का जल माता जी के स्नान करने व शिव मूर्ति की पूजा करने के लिए उपयोग किया जाता है। इस जल से नहाने व मुंह धोने व कुल्ला करने से पाप के अधिकारी होंगे। इस कुंड के पास जूते लाना सख्त मना है। बहुत ही शानदार। जय माता जी। जय शंकर। बहुत शानदार। वही जिसको लेना था उर्दू मास्टर का देखा। अच्छा अच्छा महाराजा रणजीत सिंह है। अच्छा अच्छा महाराजा। बहुत जय शंकर। जय शिव शंकर। जय शंकर। बहुत ही शानदार दृश्य, बहुत ही ज़्यादा शानदार मंदिर है यहाँ पे, आप चेक कर सकते हैं। कुंड अंकल जी बता रहे थे जैसे महाराजा रणजीत सिंह ने बनाया है, बहुत ही ज़्यादा शानदार दृश्य यहाँ का। आप एक बार दृश्य कीजिए यहाँ से चेक, बहुत ही ज़्यादा शानदार। जय शंकर। हाँ जय शंकर। गुरु जी उभरे हैं, कोई बात नहीं, गुरु जी को भी हम याद करते हैं। गुरु जी तो बोले कि टेम्पल हमारा
जय जय बजरंगबली, जय शंकर। बहुत ही ज्यादा शानदार दृश्य, ये देखिए हनुमान जी की मूर्ति पर्वत पर है। जय श्री राम। जय शंकर। यहाँ पे भी शिव मंदिर में आके बहुत ही ज्यादा आनंद आया, आप चेक कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा सुंदर नजारा यहाँ का है। देखिए आप तालाब की व्यू चेक, और ये देखिए जो बावड़ी है ये मुख्य आकर्षण केंद्र है, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने शुरू में पढ़ा कि इस बावड़ी को यहाँ पे जो पानी है वो ले जाया जाता है ऊपर, इसके सिर्फ यूज़ उसी के लिए होता है, बाकी के लिए नहीं। सो आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही शानदार दृश्य है चारों, बहुत ही ज़्यादा शानदार। ये देखिए टेंपल, और इधर जय श्री राम बजरंगबली जी। जय शंकर। और ये देखिए यहाँ पे शिव मंदिर, और वहाँ पे चिंतपूर्णी माता जी का मंदिर। जय जय श्री महाकाल। पर हमें देखते हो, हेलो डियर, हेलो शेरू। तो फाइनली यहाँ पे भी हमने दर्शन पा लिए हैं। अब चलते हैं माता के मंदिर की ओर, क्योंकि 8 बजे होगा हवन। वो होप करता हूँ कि आपको यह ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो कृपया लाइक कमेंट शेयर दबा के करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब। ठीक है, अब चलते हैं हवन करने, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और थोड़ी देर रेस्ट के पश्चात मिलते हैं आपसे। बाय बाय, टेक केयर। हेलो 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 हेलो, सफर जारी है। यहाँ पे देखिए सेवादार सफाई में लगे हैं ये। ये देखिए यहाँ पे जो घास फूस उगेगी उसको यह उखाड़ रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा शानदार कार्य कर रहे हैं, काफ़ी बढ़िया, ग्रेट वर्क। देखिए पौड़ियाँ साफ हैं, कई श्रद्धालु सेवा करते हैं, बहुत ही ज़्यादा शानदार है यह चीज़। जय शंकर, बाय बाय, टेक केयर। जय शंकर भाई।